कनाडा में हिंदुओं का आक्रोश, लंदन की सड़कों पर प्रदर्शन, अमेरिका में फूटा हिंदुओं का गुस्सा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, हिंदू बहुल इलाकों में आगजनी की जा रही है, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है। बीते एक हफ्ते से बांग्लादेश सुलग रहा है, तख्ता पलट के नाम पर वहां के हिंदुओं की हत्या की जा रही है। बांग्लादेश की सड़कें हिंदुओं के खून से सनी हुई हैं। लेकिन हिंदुओं पर हो रहे इस अत्याचार के खिलाफ दुनिया भर के हिंदुओं का गुस्सा फूटा। सात समंदर पार रह रही हिंदू आबादी बेचैन है, अपनों के दर्द का एहसास है, सड़कों पर उतर कर लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, हिंदुओं की हत्या पर अपना आक्रोश जता रहे हैं। कनाडा में रह रहे लोग बीते दो दिनों से सड़कों पर इसी तरह अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये तस्वीरें टोरंटो की हैं। यहाँ केवल हिंदू ही नहीं बल्कि ईसाई, बौद्ध और यहूदी भी सड़कों पर हैं। हाथों में सेव हिंदूज इन बांग्लादेश के पोस्टर और झंडे, दिल में गुस्सा और मन में हिंदुओं के लिए न्याय की उम्मीद। ऐसी ही तस्वीरें सात समंदर पार लंदन से भी आईं, जहां अलग अलग जगहों पर हिंदुओं का प्रदर्शन जारी है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे दुनिया भर की हिंदू आबादी आक्रोश में है। सड़क से लेकर अलग अलग संस्थानों में बांग्लादेश के हालात पर प्रदर्शन जारी है। क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बूढ़े, हर उम्र और हर तबके के लोगों का गुस्सा जग जाहिर है। बांग्लादेश के हालात पर लंदन में जारी प्रदर्शन को वहां के स्थानीय लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अमेरिका के वॉशिंगटन से भी आईं। यहां की हिंदू आबादी भी सड़कों पर है, व्हाइट हाउस के पास इकट्ठा होकर लोग हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रोकने की मांग कर रहे हैं। अमेरिका में लोग हिंदुओं की हत्या का हिसाब मांग रहे हैं, तख्ता पलट के बाद मकानों और मंदिरों में हुई आगजनी पर जवाब मांग रहे हैं। अमेरिका में विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले लोगों ने प्रदर्शन किया और अमेरिकी सरकार से इस मामले में दखल देने की भी अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।